right, guys, here comes the moment of truth. All right, अब ये आ गई है सर्विस. Yo, what is up YouTube? Welcome back to the channel. You're watching Dino Homo. So आज का व्लॉग हमारे लिए काफी एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं जूते खरीदने के लिए शॉपिंग. और ये कौन सा रोड है? ये रोड है MM आलम रोड. बिल्कुल MM आलम रोड है. और फिर यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं. हमने वैसे यहाँ पर आके काफ़ी दुकानें चेकआउट की हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आए. लेकिन अब वो एक आखिरी दुकान एक ऐसी है जहाँ पर हमें पसंद आने वन एंड ओनली कैचर्स. तो चलिए आइए आपको भी वहाँ चल के दिखाते हैं. लेट्स गो फॉर इट. Alright guys, here we are at the Skechers. But first, उससे पहले हम आपको इतनी जल्दी नहीं लेके जाएंगे. थोड़ा कॉम्पिटिशन आ रहा है. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर है सर्विस की दुकान इस साइड पर, ठीक है, और यहाँ पर है स्केचर. तो कहने का मतलब ये है हम पहले सर्विस जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर पसंद जाते थे तो हम वहाँ से खरीद लेंगे, वरना अगर नहीं आया तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो स्केचर ही है. लेकिन हम पहले सर्विस इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है और हमारा बजट भी थोड़ा लो है. तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं और देखते हैं हमें पसंद आते भी हैं या नहीं. Alright, अब ये आ गई है सर्विस. तो मैंने सुना यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है जूतों की. तो यहाँ आके देखते हैं कि हमें हमारी पसंद के शूज़ मिलते हैं या नहीं. ओके गाइस, तो ये है कलेक्शन इंडियोर का. बिल्कुल, हम सब भाई यहाँ पर आकर चेक कर रहे हैं. ये हम सोच रहे हैं कि हम ये बाय करें या नहीं. बहरहाल जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस तरह के, ये हमें पसंद तो वैसे नहीं आ रहे अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं. लेकिन प्यारे हैं, लेकिन हमें प्योर ब्लैक में चाहिए और अट्रैक्टिव हो. जैसे कि ये वाला भी अच्छा है, ये वाला, ये भी ठीक है. और दूसरा हमारा ऑप्शन एक ये है, ये वाला. ओके गाइस, तो अपडेट. हम जैसे कि आपको मैंने बताया हम सर्विस आए हैं. तो मैंने जो है भाई को कहा है कि मुझे एक शूज़ दिखाएं जो हमारे लिए बेस्ट हो. जैसे कि हम फॉरेन से ऑन द गो के लिए होते हैं और हमें बस चढ़ाने होते हैं और हम बस निकलने की करते हैं, तो हमें किसी तरह का शूज़ चाहिए. तो उन्होंने हमें एक शूज़ ला के दिखाया, तो हमारे साइज़ का वो हम पहन के देखेंगे और ट्राई करके देखेंगे कैसा लगता है. तो वो ये वाला है शूज़ जो भाई मुझे दिखा रहे हैं, इस तरह का है. लेकिन ये फ़िलहाल तो ब्लू कलर है लेकिन हमने ब्लैक में पसंद किया, तो मैं इसको चढ़ा के देखता हूँ. कैसा लग रहा है? तो वो एक सर्विस की दुकान थी जहाँ पे हम रुक रहे. तो वहाँ पर जो इंडियोर लिखा है ना उसकी शूज में प्रिंट है, उस तरह का एक था सोल उसकी सेम थी लेकिन ऊपर से वो इस तरह का था. वो वाला है आपका वो मुझे दिखा. जी दानिश भाई, आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सीधी सी बात है मेरा दिल नहीं मान रहा. क्योंकि अब आपको पता है ना, जब कोई एक प्रीमियम लाइन से कोई चीज़ इस्तेमाल करे और फिर उसको इस तरह की हो तो दिल नहीं मानता ना. और मुझसे बात दिल की भी नहीं है, बात यह है कि यार ये देखो ये शूज़ हैं ये, और ग्रे इसकी लेसिस हैं और क्या नाम है, लेसिस वाला मुझे नहीं चाहिए.
जो मैंने एक वाल्टन रोड पे एक सर्विस की दुकान थी वो मुझे पसंद आया था, लेकिन वो मॉडल यहाँ पर नहीं रखा हुआ और वो वहाँ पर हमारे साइज में नहीं था और यहाँ पे वो मॉडल है ही नहीं, तो अगर वो होता तो मैं लाजमी वो ले लेता, लेकिन वो कंसिडर किया जा सकता था। तो अब हम वापस स्केचर्स आएंगे। चलिए गाइस, ऑलराइट गाइस, बात ये नहीं कि हमें पसंद नहीं आए जूते, अच्छे थे, सर्विस इज़ नॉट बैड, वो भी अपनी जगह एक मैार रखती है, एक मैार रखती है। सर्विस इज सर्विस, बेस्ट सर्विस इन पाकिस्तान एंड लाहौर, और ये सऊदी अरब में भी इनकी ब्रांच है। बिल्कुल, आई मीन हमने अपनी मैट्रिक में भी हमने सर्विस के जूते पहने थे। बिल्कुल, तो इससे भी काफ़ी यादें हैं। बट अब हमें जो क्वालिटी चाहिए वो ऑलमोस्ट इधर नहीं है, तो इस वजह से हम प्रेफर जो करेंगे वो है स्केचर्स। ऑलराइट गाइस, तो आइए चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, वो है स्केचर्स को सारी वैरायटी दिखाएंगे इंशाल्लाह। एंड आपको तो मेन चीज़ पता है, उनकी स्पेशलिटी वो है कंफर्ट, और कंफर्ट में सबसे आगे है गो वॉक 5। वो सीरीज़ है गो वॉक की सीरीज़, उसकी काफ़ी मशहूर, बहुत ज़्यादा मशहूर लाइन हुई थी गो वॉक 3। उसके बाद उसका लेटेस्ट ग्रेड आया था जो उसका सक्सेसर था, गो वॉक 4, जो हमने पहने हुए, ठीक है। तो हमारा मकसद है गो वॉक 5 की तरफ जाने का। और जो एडिडास है वो अपनी सर्विस की वजह से बहुत मानी जाती है, यानी कि एडिडास कंपनी जो है वो सर्विस की वजह से बहुत अच्छी मानी जाती है, और जो नाइकी है वो अपने ब्यूटी के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। गाइस, तो अब बारी आती है स्केचर्स की। ऑलराइट गाइस, हियर कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। एंड जो मैं पर्सनली गो वॉक 5 का जो कलर जो मेरे दिमाग में है और वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं खरीदूँ, वो है फुल ऑन ब्लैक कलर, और उसके अंदर जो गोगा पिलर्स तले हुए उसके अंदर ऑरेंज कलर होना चाहिए, जिस तरह का ये है, ठीक है। और ये ब्लैक के अंदर हो तो क्या ही बात हो। मैंने वैसे है वो मॉडल, लेकिन अब देखते हैं कि वो यहाँ पर है या नहीं। ऑलराइट गाइस, सो अब हमने पसंद किया है ये वाला शूज़, ठीक है। इसकी जो खासियत है वो ये चीज़ है, अपर का लेयर, इसके अंदर स्वेड हल्का सा मटेरियल यहाँ पे लगाया हुआ कि हम ऑन द गो आएँ और इसको फ़ौरन से पहन लें तो ये आराम से इस तरह हो सकते हैं। तो ये नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए भी बहुत ईजी है, कि फ़ौरन से वजू के लिए उतार और चढ़ा ली और भाग गया नमाज़ पढ़ने के लिए, बिल्कुल। और ये सक्सेसर है गो वॉक 4 का, ये और ये परफेक्ट। ओके गाइस, तो अपडेट मैं आपको दे दूं, हम थोड़ा बाहर आए दुकान से, पीछे स्केचर्स है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा शूज़ ख़रीदें, तो हम थोड़ा बाहर आए। इतने में अपनी अम्मी को मैं कॉल करता और उनसे पूछता और उनको दिखाता इस तरह का सीन। जब तक हम बाहर आए और वो कॉल लगती है, तो एक सामने हमने देखी है लोकोनी एंड लोकोनी लंदन, तो हम वहाँ जाकर देखते हैं और पसंद करते हैं कि हो सकता है वहाँ पे हमारा दिल आ जाए या आसपास में कहीं दिल आ जाए, तो हम कंसिडर कर मार्केट घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जो एक आर्टिकल जो मुझे पसंद आया वो इधर अवेलेबल भी नहीं है, तो एक ये भी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम खरीदते हैं। सो गाइस, मैंने लोकोनी लंदन जो थी वहाँ पर जो शूज़ थे वो ज़्यादातर थे शादी ब्याहों वाले, तो उसी के साथ ये मोचिनो नाम की एक दुकान थी, हम वहाँ पर आए और वहाँ पर मुझे शूज़ लगे हुए नज़र आए और वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं सोच रहा हूँ वो ख़रीदें। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं। अब मैं अंदर आ चुका हूँ और हमज़ा भाई यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमने ट्राई आउट किए हैं जूते, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं भाई यहाँ पर बैठे हुए हमें दिखा रहे थे, तो जो मैंने पसंद किया है वो ये वाला है, स्वेड लेसेस और प्लस सोल। इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि नेवी ब्लू कलर ले लूँ, क्योंकि वो मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है, तो नेवी ब्लू मैं कलर ख़रीद रहा हूँ। वैसे माशाल्लाह इनके पास काफ़ी मज़ेदार वैरायटी है, इन फ्यूचर हम दोबारा यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेवी ब्लू ये वाला जो मुझे पसंद आया, ऊपर स्वेड लेदर लगा हुआ है और इसकी स्वेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं वो पहनता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट, साइज़ ये ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतना हार्ड डिसीजन होता है यार। ऑलराइट गाइस, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉपिंग कर ली है,
वो ये है। और असल में काफ़ी हमारे लिए टफ था क्योंकि हम ये अकेली शॉपिंग कर रहे थे और वैसे नॉर्मली हम अपने घर वालों के साथ करते थे शॉपिंग, तो अब हमने की है बहरहाल सबकी पसंद से। और उम्मीद करता हूँ कि ये अल्लाह ताला हमें बरतना नसीब करे और हम काफ़ी खुश हैं इसके ऊपर, इस परचेज़ के ऊपर। और ये बात जो स्केचर्स की जो हमने पहने हुए थे वो काफ़ी वॉर्न आउट हो गए थे क्योंकि वो हमने माशाल्लाह 4 साल चलाए थे। और फोर ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, वो हमने डे एंड नाइट वो पहने थे, बारिश हो गई, हर चीज़ हो गई, उसके साथ काफ़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं। कहने को तो वो बस जूते, लेकिन फिर भी साथ हमारा काफ़ी टाइम गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने दूसरे खरीदे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इट्स अ क्विक व्लॉग, हम आपको बस छोटा सा व्लॉग दिखाना चाह रहे थे कि हमारा दिन कैसा गुजरा। बिल्कुल, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें इस वीडियो को। और अगर आप इन फ्यूचर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन हैव अ लवली डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।